अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें। किसी लड़के और जादुई पक्षी की कथा, महकती ध्वनियों की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ियों के बीच स्थित था, एक युवा लड़का रहता था। ईथन के दिल में जिज्ञासा और प्रकृति के प्रति प्यार था जो सभी सीमाओं को पार कर गया। हर दिन वो मैदानों में घूमता था, हवा की ध्वनियों और हरियाली की हलचल को ध्यान से सुनता था। एक धूप वाले सुबह जब ईथन एक घुमावदार रास्ते पर चल रहा था, एक मधुर गीत ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने इस मोहक आवाज का पीछा किया और एक अलगावज खुले स्थान तक पहुंचा, जहां एक प्रभावशाली पक्षी एक डाल पर बैठा था। इसकी पंखुड़ियों में हरी, नीली और पीतल की सुंदरता के रंग में चमक रही थी। पक्षी की सुंदरता से मोहित होकर ईथन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। संवेदनशील प्राणी को बहुत बड़े सावधानी से नहीं घबराते हुए, अपनी हकीकती प्राकृतिक आवाजों से ईथन को विचलित करते हुए पक्षी अपना सिर मोड़ दिया और एक अद्भुत संगीत गाना शुरू कर दिया। एक गीत जो सीधे ईथन के दिल से बोल रहा था। लड़का पक्षी की आवाज में खो गया और उसे ये पता चला कि यह मुलाकात कोई साधारण संयोग नहीं है। उस दिन के बाद से ईथन और पक्षी ने एक अटूट बंधन बनाया। वे मिलकर गाँव और उसके आसपास की खोज करते थे। साथ में वे उच्च वृक्षों पर चढ़ते, बबल बबल बहती नदियों को पार करते और रहस्यमय जंगलों में विचरण करते। पक्षी अपनी प्राकृतिक संगीतों के साथ ईथन को प्रकृति की गुप्त मार्गों में मार्गदर्शन करता, छिपे हुए खजानों को प्रकट करता और उसे पृथ्वी की प्राचीन ज्ञान सिखाता था। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें।